to my channel JDS Soumya and Shivani Bansal Vlogs. So you guys, ये मेरा पहला vlog है. इस vlog में मैं आपको अपने heels collection दिखाएंगे. आप बहुत ज़्यादा shocked होंगे कि पहले ही vlog में heels collection दिखा रहे हैं. So guys, जितनी भी मैं आपको heels collection दिखा रही हूँ ना, वो heels मैंने ऑनलाइन भी लिए, अपर यार ऑनलाइन लिए तो मैं आपको दिखा नहीं सकती. लिंक की मैंने कहा था लेकिन बहुत पहले की है, बहुत पहले की, इनसे 4-5 महीने हो गए तो लिंक ढूंढना इम्पॉसिबल हो जाता है. और कुछ सरोजनी नगर से भी ली थी और मैंने लाजपत नगर से भी ली थी एक दो हील, और स्लीपर्स भी ली थी. मैं आपको अपना कलेक्शन दिखाती हूँ. और तो मतलब शूज कलेक्शन भी है मेरे पास, वो मैं आपको इसमें इसलिए दिखा रही क्योंकि मैंने इसका नाम ही हील्स कलेक्शन रख दिया है. सो मैं पहले आपको बंद करना. सो गाइस, पहले मैं आपको अपनी पहले स्लीपर्स दिखाती हूँ. ये रहे, अब दिखाती हूँ. भाई इन्हें पहन के ना ऐसा लगता है कि मौज आ गई जिंदगी की. देखो ये काफी मतलब इनका ना वर्क भी बहुत अच्छा करा है. और इनका प्राइस ना सिर्फ 200 रुपये की समथिंग है, ज्यादा प्राइस की भी नहीं है. आपको बहुत इजीली आप ले भी सकते हो, बहुत ज्यादा मतलब बना. गाइज इसी का मैंने पेयर 2 लिया था क्योंकि मुझे दोनों कलर अच्छे लगे थे. उनके एक पास 2 ही थी. मैंने कहा भाई दोनों मेरे को दे दो बिकॉज इतनी अच्छी लगी है. मेरी बहन ने बोला मेरे लिए ले ले, पर मैं लेकर अपने लिए आई थी. पर फिर मैंने अपनी सिस्टर को दे दी. दूसरी वाली ऐसी है, मैंने पहनी नहीं है बिल्कुल, मैंने बॉक्स में ऐसी रखी है सारी. तीसरी वाली एक ये थी, इसमें ये बॉक्स में ऐसी ऐसी है. ये वाली मैंने उससे मंगवाई थी, मैंने फ्लिपकार्ट से मंगवाई थी. ये भी मेरे को 250 या 300 के बीच में पड़ी थी. ये भी काफ़ी अच्छी चप्पल है, मतलब बहुत मतलब ईजिली आप इसमें भाग भी सकते हो. ऐसी चप्पल है भाई ये, पर तो मन आ गया इन पर. जो मैंने आपको ये वाली भी दिखाई थी ना स्लीवर्स, इन वाली स्लीवर्स का भी सेम प्राइस है. ये मैंने सब ली थी, कहाँ से ली थी मैंने, हमने दिल्ली में से ली थी, बाजार था सदर बाजार समथिंग में से ली थी मैंने. और गाइस एक मेरा ये बॉक्स है, इसमें है ट्रांसपेरेंट हील जो मैंने ली थी फ्लिपकार्ट से. इसका मेरे पे वो नहीं है लिंक, पर मैंने फ्लिपकार्ट से ली थी. आप देख सकते हो इसका ना वर्क भी काफ़ी अच्छा करा उन्होंने. मतलब भाई मैंने जब ये, मैंने अभी तक तो पहनी नहीं है, पर मैंने जब आती है ना एक बार ट्राई करी थी मैंने, तो मेरे को काफ़ी अच्छी लगी. और ये मेरे को पड़ी थी 400 की पड़ी थी, क्योंकि ट्रांसपेरेंट हील अगर आपको 400 के बीच में मिल जाती है ना काफ़ी अच्छा होता है. मैंने ट्रांसपेरेंट हील इतनी ईजिली मिलती नहीं है भाई, मैंने बहुत ढूंढी, उसके बाद मेरे को ये मिली. जब जाके मैंने सोचा कि यार अब ले लेनी चाहिए, मेरे को 400 पड़ी थी. आप देख सकते हो इसका वर्क भी काफ़ी अच्छा है. ये मेरे पैर में काफ़ी अच्छी लगी इसलिए मैंने ले ली. अगर आपको दोनों को एक साथ देखना है तो देखो ऐसी. ये मेरी और गाइस, हाँ जो मैंने अब दिखाने जा रही हूँ वो मेरा सबसे सस्ता प्रोडक्ट है. और भाई वो मेरा इतने दिन चला है ना, मैंने इतनी ज़्यादा पहन ली है. मैंने पहनी हुई है ये वाली, तो मैंने पहनी हुई है जिसकी आप शक्ल से भी देख लोगे. देखो ये पहली टाइप है, ये टूटने भी वाली है. ये मैंने 150 के समथिंग ली थी, बहुत मतलब इतनी सस्ती थी भाई. सदर बाजार में मेरे को सबसे सस्ता माल यही मिला. और मैंने अब मैं दिखाने वाली हूँ, और क्या दिखाना है, अब मैं आपको अपनी दिखाती हूँ स्लीपर्स जो मैंने कहाँ से ली थी. ये मैंने ली थी सादरा से ली थी मैंने ये वाली, मतलब ये बिल्कुल ब्रांडेड न्यू पड़ी है. आप देखो किसी ने नहीं पहनी है. ये मैंने ली थी 300 की समथिंग ली थी, पर इनका ना लुक ना काफ़ी अच्छा है, देखने में ऐसी लग रही है. आप देखो इनका लुक ना काफ़ी अच्छा है, मतलब इतना कंफर्टेबल है ना यार, आप डेली वेयर्स में भी इनको यूज़ कर सकते हो. इतनी अच्छी हील्स है, मैं सच्ची बताऊँ आपको, हील्स नहीं है डेली वेयर चप्पल्स है. और मैं आपको शूज टच नेक्स्ट दिखाना चाह रही हूँ कौन सा. हाँ ये तो यार हील्स है, ये ऐसी हील्स है, सर्दी वाली जो है नहीं, इस टाइप की हील्स है, शाइनिंग मार रही है. ये भी नई है मेरी. इनका प्राइस है 400 या 500 की समथिंग इनका प्राइस है. ये भी मैंने दिल्ली से ली. यार पता है एक बात बताऊँ, दिल्ली में आपको ना हील्स की तो क्वालिटी बहुत अच्छी मिलेगी. और सरोजनी नगर में सबसे अच्छी बेस्ट चीज़ ये है, सरोजनी नगर में ना आपको हमेशा टॉप्स और जीन्स और स्ट्रेट फिट जीन्स बहुत अच्छी मिलेगी, मतलब अफोर्डेबल होती है, इतनी अच्छी जीन्स होती है. अब मैं आपको नजर आती हूँ नेक्स्ट. ये वाली हील्स मेरी भाई अब तक की सबसे प्यारी हील्स है मेरी, इतनी चलती है ना यार. इनका लुक भी देखना कितना क्लासी है, देखो कितना क्लासी लुक है इनका भाई. इनको आप ना मतलब आप छोटे से फंक्शन में जा रहे हो, किसी क्लब में जा रहे हो, पार्टी में जा रहे हो, और अफोर्डेबल. ये मैं पर ये मैं अफोर्डेबल कैसे कहती हूँ, मैंने मॉल से ली थी, सच्ची बताऊँ मॉल्स में इनका प्राइस 800 के समथिंग था.
ये मैंने मॉल से ली थी जैसे मैं आपको बता रही थी, ये मैंने 800-900 की समथिंग ली थी कि मॉल में फिक्स होता है वहाँ पर बार्गेनिंग नहीं कर सकते। तो ये मतलब इस टाइप की हील्स है, मतलब आप क्लब में जा रहे हो या किसी छोटी मोटी फ्रेंड्स के साथ पार्टी में जा रहे हो, तो मैंने इनको जैसे हील्स को रेफर करूँगी। जैसे इनका ना वर्क भी काफ़ी अच्छा बना करा है उन लोगों ने, अफोर्डेबल भी है, प्राइस ठीक ठाक है, जो चीज़ मतलब कंफर्टेबल हो वो अगर आपको अच्छी लगती हो और पैसे उसमें वसूल हो जाए तो उसमें कोई आपका दुख नहीं होता है क्योंकि आपके पैसे ऑलरेडी वसूल हो चुके होते हैं मेरे हिसाब से। तो और नेक्स्ट ये मेरा ये गाइस कुछ मेरी तरह नहीं लग रही, बुढ़िया सी पागल सी। अगेन हमारे पास आ जाती है हमारे लिए वैली। ये वैली तो भाई ये वैली आप जींस के नीचे वेयर करोगे ना, मैं कह नहीं रही कि सूट के नीचे हर वैली को आप वेयर करो, आपने इन वैली को आप जैसे शॉर्ट जींस होती है जो मतलब आपकी काफ़ी शॉर्ट्स होती है जिनमें आपके पैर ऑलमोस्ट सारे दिखते ही हैं और उन पर इनका लुक काफ़ी अच्छा आता है। आप किसी कुर्ती पे पहन के देखना इनका लुक, मैंने एक बार पहनी थी उसका लुक इतना बेहतरीन आता ना भाई मन आ जाता है। ये भी मैंने मॉल से ली थी, ये भी मेरे को 900 की समथिंग पड़ी थी, पर यार इसका ना जो वर्क है और ये इतनी हैवी है ना, हैवी है पर कंफर्टेबल बहुत है क्योंकि इसका आप देख सकते हो स्टफ कैसा है, कितना कम्फी है। ये मेरे हाथ में से बिछ रही है तो आप सोच सकते हो कितना कम्फी इसका स्टफ है, तो विच इज़ टोटली गुड यार। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है, देखो इसका लुक कुछ ऐसा आता है, आपको एक सब दिखा देती हूँ, ऐसा लुक है कुछ, बहुत कम्फी, बहुत अच्छा कलर है इसका। गाइस प्लीज़ कमेंट करके बताना अगर आपको कोई सी अच्छी हील ज़्यादा लगी हो, तो मैं अपने लिंक ढूंढ लूँगी उसके बाद मैं आपको दे दूँगी अगर आपको ज़्यादा अच्छा लगा होगा। प्लीज़ कमेंट कर देना क्योंकि ब्लॉग अभी स्टार्ट की है, अभी ब्लॉग ही स्टार्ट किए पहले नहीं कर रहे थे। और हाँ नेक्स्ट वन है मेरी सबसे, मतलब ये वो हील है भाई देख लो, ये बड़े ब्रांड की हील है यार, वैसे इसका ब्रांड का तो मुझे नाम याद नहीं है। हाँ ड्रेस मेरी की है, ड्रेस मेरी ब्रांड की है, मेरे को याद आ गई, ये मैंने मिंत्रा से मंगाई थी। ये समथिंग 900-800 के बीच की है, ये भी मैंने अभी ये परसों ही पहनी थी, बस ये परसों मैंने अपने स्कूल के लिए पहनी थी क्योंकि मैं साड़ी पहन गई थी उस दिन, हमारा वो था दिवाली के लिए, अभी से चल गया है तो हमारा वो था। देखो इसका लुक, इसका ना ऐसा लुक है ना इतना कंफर्टेबल है आप नहीं सोचोगे भाई, भगलो इस पैर के, मैं तो यही सोच रही थी उतनी समझ गया तो इजली क्या चल रही थी। मैंने बोला कि देखो क्योंकि ना जो इसका स्टफ है ना, देखो ये कितना वो है मतलब गुदार बोलते हैं कुछ टाइप का है देखो। और हाँ नेक्स्ट है मेरी स्लीपर्स, ये वाली, ये भी मेरी नई की नई पड़ी है आप देख सकते हो, ये मैंने एक बार भी पहनी गाइस, ये मैंने इतने अरमान से मंगाई थी कि मैंने आते नहीं पहनने लगे उनके मेरे पास थी, मम्मी ने बोला अभी रहने दे तेरे पास स्लीपर्स, मेरे पास स्लीपर्स बहुत है मैंने आपको दिखाया था, मैं इस टाइप की स्लीपर्स मेरे को अच्छी लगती है, मेरे पापा बोलते हैं खड़ी चप्पल बट मेरे को ये बहुत पसंद है गाइस। देखो इनका इस वाले ग्रुप, ये मैंने मंगवाई थी फ्लिपकार्ट से भी, ये मेरे को पड़ी थी 300 की समथिंग, मैं आपको ना लिंक दे दूंगी आप जो सी स्लीपर्स के होंगे गाइस, सेम ही उस बेस जो मैंने आपको दिखाई थी जो मैंने मिंत्रा से मंगाई थी उस टाइप की सेम एक चप्पल ही है। मेरे को ना इस टाइप की चप्पल्स भी बहुत पसंद है क्योंकि इस टाइप की चप्पल मैं ना बहुत वो चीज़ पहनी चाहिए जिसमें कंफर्टेबल रहते हो, जिस चीज़ में मैं कंफर्टेबल थी मैंने वो चीज़ मंगवाई, मैं अनकंफर्टेबल चीज़ को नहीं मंगवाती हूँ। तो आप इसका स्टॉक देख सकते हो, तो ये है, ये हमने हमारे यहाँ से ली थी लोकल मार्केट से लोनी से, ये थी 900-800 की समथिंग की थी, बट भाई ये हील मैंने आपको सच बताऊँ ये वाली हील मैंने 2 साल पहले ली थी, ये वाली सैंडल्स जो चप्पल वाली है मैंने पहनी बहुत कम है एक दो बारी बट मेरी अब तक चल रही है, मैं बहुत खुश हूँ। ओके गाइस बस यही मेरी कलेक्शन, आपको शूज़ कलेक्शन देख रहा हूँ, शूज़ भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी के है मतलब बहुत सारे हैं मेरे पास, कपड़े भी, आपको जौन सा भी आप कलेक्शन देखना हो ना मैं आपको दिखा दूंगी। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना, मेरे को नहीं हिचकिचा रही जैसे मेरे को याद कर रहा है। पर हाँ गाइस बाय एंड गुड लक, बी सेफ।